हेलो एवरीवन आज मैं इन्वामेंटल साइंस का एक टॉपिक स्टार्ट करना चाह रही हूँ इकोसिस्टम नाम सुना होगा सभी ने इकोसिस्टम क्या होता है तो इकोसिस्टम एक इंट्रैक्शन है कि हम हम अर्थ पे रह रहे हैं हमारा हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इन्वामेंट से बायोटिक कंपोनेंट से ए बायोटिक से अगर हम किसी ग्रासलैंड का एग्जाम्पल लें तो ग्रासलैंड में ग्रास डिपेंडेंट है सनलाइट पे सनलाइट डिपेंडेंट सनलाइट की जरूरत है इसी तरीके से ग्रास की जरूरत ग्रास, ग्रास होपर को है तो एवरी बायोटिक एंड ए बायोटिक आर इंटर एक्टिंग विद ईच अदर एंड विद द इन्वामेंट आल्सो तो इकोसिस्टम इज द इंट्रैक्शन एक्चुअली इट इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंट्रैक्ट करते हैं एंड वो इन तो ए बायोटिक कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं दैट इज़ द इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम का हम अगर हम एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर समझ लें तो so, कोई भी तरीके का इकोसिस्टम हो इधर पॉन्ड इकोसिस्टम इको सिस्टम और द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम और द मैरीन इकोसिस्टम और द ग्रासलैंड इकोसिस्टम और द फॉरेस्ट इकोसिस्टम सारे इकोसिस्टम के एग्जांपल्स को हम उसमें डाल के और हम सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इको को अगर हम देखें तो इट कैन बी कैटेगराइज इंटू टू पार्ट्स फर्स्ट इज द ए कंपोनेंट And the second one is biotic component. Up nam hai bio. Bio means living. So our biotic component means non-living component. They can be further categorized into three parts. The first one is physical component. Second one is organic component, and the third one is inorganic component. फिजिकल कंपोनेंट मीन्स जैसे सनलाइट हो गई आपका पी हो गया टेम्परेचर हो गया दीज ऑल आर द ह्यूमिडिटी हो गया रेनफॉल हो गया ये सभी कंपोनेंट अगर किसी प्लांट को प्लांट को ग्रो ग्रो कर रहा है तो सारे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपोनेंट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जिससे हमारी बॉडी या प्लांट की बॉडी बनी हुई है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑल आर द कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम So on. Now, the biotic component. Biotic components means it can be further categorized into three parts. The first is producers, producers means the green plant, second one is the consumers, and are the microorganisms. ये बहुत हम सिंपल मेथड में कर रहे हैं अदरवाइज इसको हम कंज्यूमर को मैक्रो कंज्यूमर्स भी कह सकते थे लेकिन अभी ये लेक्चर हमने इसीलिए बनाया है कि बहुत इजीली सभी को समझ में आ सके माइक्रो और माइक्रो करके हमने नहीं समझाया जो आगे के हायर लेवल में है प्रोड्यूसर्स मेज ग्रीन प्लांट्स कोई भी ग्रीन प्लांट है कंज्यूमर्स मतलब उन पर डिपेंड रहने वाले तो कंज्यूम कंज्यूमर्स को हम अगेन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स secondary consumers and top your tertiary consumers तो अब अभी अगर हमको इस इस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में या इस इकोसिस्टम के स्कैल्टन में हमको ग्रासलैंड इकोसिस्टम को समझना है सपोज हमको एग्जाम्पल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम तो हम कैसे करेंगे ए बायोटिक कम्पोनेंट तो वही है सभी जगह पे ऐसा तो है नहीं सनलाइट बदल जाएगी ह्यूमिडिटी बदल जाएगी सब कुछ वही पर है ऑर्गेनिक कंपोनेंट वही है इनऑर्गेनिक कम्पोनेंट वही है मीन इट इज दिमिलर सिमिलर इन ऑल कंडीशन हमें क्या चेंज करना है ग्रास लैंड में हमें प्रोड्यूसर्स अब यहाँ पर ग्रास लैंड में फॉरेस्ट तो आने जाएगा बड़े बड़े ट्रीज तो आने जाएंगे सो द ग्रास लैंड में जो कंपोनेंट आपका प्रोड्यूसर वाला है वो ग्रीन ग्रास हो गई अब ग्रीन ग्रास को खाने वाले शेर और डियर तो आने जाएंगे तो यहाँ पर घास को खाने वाला कौन होगा ग्रास ऑपर जो कि पहले हर्बीवोरस एनिमल्स हैं हर्बीवोरस इंसेक्ट्स सॉरी से, अब ग्रास हॉपर को कौन खाएगा ग्रास हॉपर को खाने वाले फ्रॉक्स आ जाएंगे दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स या इनको हम प्राइमरी कार्निवोरस भी कह सकते हैं हमने प्राइमरी कार्निवोरस क्यों कहा ग्रास को जो खाएगा वो तो शाकाहारी हुआ इसलिए वो प्राइमरी ये प्रा, हर भी वोरस एनिमल हुआ और ये प्राइमरी कार्निवोरस इसको हमने इसलिए कहा क्योंकि ये ग्रास ऑपर पर डिपेंड है फ्रॉक को कौन खाएगा स्नेक या ईगल या पिकॉक दीज आर द टॉप कंज्यूमर्स पिकॉक तो आप देखिए एक चेन बन रही है कि ग्रास है ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर है ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग है फ्रॉग को खाने वाला स्नेक स्नेक को खाने वाला ईगल तो ये चेन है अब यहां पर क्या ग्रास ग्रास तब तक कब तक रहेगी ग्रास को सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो क्या ग्रास की एग्जिस्टेंस है या ग्रास को टेम्परेचर पीएच ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी तो क्या ग्रास की एग्जिस्टेंस है ग्रास ऑपर तब तक जिंदा है जब तक ग्रास है ग्रास होपर को खाने वाला फ्रॉग तब तक जिंदा है जब तक ग्रास ऑपर जिंदा है और अगर हम यहां से ग्रास होपर का नंबर को खत्म कर दें तो नंबर ऑफ द फ्रॉग विल इंक्रीज फ्रॉक को खत्म कर दें तो इनका नंबर इंक्रीज कर जाएगा सो एवरी एवरी कंपोनेंट एवरी ट्रॉपिक लेवल ट्रॉपिक लेवल इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट सो दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर बायोटिक कंपोनेंट ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन ए बायोटिक कम्पोनेट्स एंड ए बायोटिक कम्पोनेट्स आर नीडेड फॉर द बायोटिक कंपोनेंट नाउ वॉट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे ग्रीन प्लांट हो वो भी कभी ख़त्म होगा चाहे वो ये एनिमल्स हों हर्बीबोरस हों कॉबोरस हों इनकी भी बॉडी ख़त्म होती है तो जब बॉडी ख़त्म होती है सड़ती है तो वहाँ पर उनकी बॉडी में डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है व्हाट इज द डिकम्पोजिशन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स आर ब्रेकिंग डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द बैक्टीरिया वायरसेस फंजाई दीज आर द माइक्रो What वॉट आर द माइक्रो viruses, बैक्टीरिया वायरसेस some other एंड सम अदर आर अदर्स जो कि एक बॉटनी का पार्ट है जो आपको बाद में अगर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे अभी बैक्टीरिया वायरसेस, फंजाइ जाए दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे आर डूइंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस वॉट इज द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ये भी पता होना चाहिए वेन द बॉडी डेड बॉडी जब खत्म होती है गिरती है तो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल ब्रेक डाउन The long molecules into smaller, smaller, smaller molecules. This is the actually decomposition process. Or jab वे decompose होके smaller molecules mein convert ho jayenge they will mix into the soil in the form of nutrients. वो nutrients हो जाएंगे, वही सी एचओ है। कहते हैं ना मिट्टी में मिल गया। तो so, these this is the process by which so these are very important. अगर ये नहीं होंगे, bacteria, viruses, fungi, तो हमारी body का breakdown कौन करेगा? हमारी मिस जो भी प्लांट या बॉडी जो भी खत्म हो रही है उनका बॉडी का ब्रेकडाउन कौन करेगा तो ये अब इन्होंने ब्रेकडाउन किया तब सोयल बनी सोयल बनी इसलिए वहां पर प्लांट ग्रो कर पा रहा है सो दीज ऑल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर हमने यहाँ पे ग्रासलैंड का आपको एग्जाम्पल दिया है सपोज अभी हम कह दें यहाँ पे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल आप फिट करिए तो आप यहाँ पर फॉरेस्ट में कुछ नहीं करना आपको ए बैटरी कम्पोनेंट इससे मिल रो कोई चीज चेंज नहीं करनी यहाँ पर फॉरेस्ट में ग्रीन प्लांट्स की क्या हो जाएंगे ट्रीज हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर ह्यूज ट्रीज प्रेजेंट होंगे ट्रीज को खाने वाले वहाँ पर डियर्स आ जाएंगे डियर्स को खाने वाले वहां पर फॉक्सेस आ जाएंगी और फॉक्सेस को खाने वाले वहाँ पर

प्लांट पानी में तैरने वाले इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करी हमने अब पानी में तैरने वाले उसको खाने वाले क्या होंगे पेड़ पौधों को तो नहीं देखते तो जू मतलब जो फाइटो प्लैंकटॉन्स पे डिपेंडेंट है इनको कौन खाएगा स्मॉल फिशेस स्मॉल फिशेस को खाने वाली लार्ज फिशेस तो इस तरीके से हम सिर्फ एग्जाम्पल्स को चेंज करेंगे और इकोसिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं तो ये इको अगले लेक्चर में जब हम फूड चेन बताएंगे तो अगर आपको फूड चेन मालूम है जैसे ये ग्रास लैंड की फूड चेन है अगर हम सारी फूड चेन मालूम होंगी आपको इकोसिस्टम कोई भी इकोसिस्टम आपसे पूछा जाए आपको सिर्फ ये स्कैटन ड्रॉ करना है और आपको सिर्फ एग्जाम्पल चेंज करने हैं आप सभी इको को एक्सप्लेन कर सकते हैं थैंक यू